नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के रजदेपुर मोहल्ला में ताजिया रखने के दौरान बैंड बाजा को लेकर दो पक्षों में कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गोली चल गई, जिसकी वजह से एक पक्ष के चार लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया, जबकि तीन घायलों में एक को हाथ की उंगली में गोली लगी है, बाकी दो को छर्रा लगा हुआ है। वहीं घटना की जानकारी होते ही सबसे पहले कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से सभी घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भिजवा दिया। घटना के कुछ ही देर बाद एसपी रोहन पी बोत्रे भी मौके पर पहुंच गए, जहां घटना के बाबत जानकारी ली। वहीं एसपी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि कल यानी 10 अगस्त को ताजिया रजदेपुर से उठनी है। यहां पर दो पक्षों में बैंड को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें गोली चली है। गोली से एक घायल हो गए हैं और कुछ लोगों को छर्रे लगे हैं। फिलहाल सभी स्टेबल हैं और आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती गोली से घायल पीड़ित आदिब ने बताया कि ताजिया रखने को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें ताजिया समयबद्ध निकले जाने की हिदायत के तहत आज ताजिया चौक पर रखी जा रही थी, जिससे नाराज होकर कुछ लोगों के चढ़ाने पर गोली चला दिया गया, जिसमें मेरे बड़े भाई के पेट में गोली लगी है, जिसे वाराणसी रेफर किया गया है, और मुझे मेरे हाथ में गोली लगी है और अन्य दो को छर्रे लगे हैं। इस वारदात को अंजाम देने वाले हाजी ट्रैक्टर वाले के लड़के द्वारा ललकारने पर शेरू ने गोली मारी है। सर, प्रशासन ने हम लोगों को बुलाया था कल पीस मीटिंग में, तो उन्होंने बोला कि 12 से 12:30 बजे के बीच में मिलनी हो जाना चाहिए उससे, तो हम लोगों ने उस पर साइन करके आ गए और उस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे थे अपनी ताजिए को। तो हम लोग ताजिया लेके अपने वहाँ पे नसीम के भाई के घर पे हम लोग ताजिया बनाते हैं, वहाँ से लेके जा रहे थे चौक पर रखने के लिए। तो चौक पर पुरानी ताजिया रखी थी, उसी को हटा के हम लोग वो 10 मिलनी वाली ताजिया रख रहे थे। इतने में शेरू मलिक, जो मलिक आफ्ताब मलिक जो उर्फ शेरू हैं, उन्होंने कहा भाई इतनी जल्दी ताजिया क्यों रख रहे हो, ऐसे नहीं होगा। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रशासन ने बोला है, तो कह रहा नहीं मिलनी 2 बजे होगी, उससे पहले नहीं हो सकती है। उसी पे कहा सुनी हुई है और उसके बाद उसने धक्का धुक्की करने के बाद वो गया है वो दूर से, और हम लोग उस तरफ से आ रहे थे तो अपने घर के पास से धड़ाधड़ गोली तीन चार राउंड उसने फायर किया है, जिसमें एक गोली मुझे लगी है, एक गोली हमारे बड़े भाई आफाक हुसैन को लगी है पेट में, जो कि बनारस रेफर हो गए हैं, और उसमें हमारे भांजे को लगी है। ये पूरी षड्यंत्र था इन लोगों का, प्री प्लानिंग। इसमें हाजी के चारों लड़के, हाजी जो ट्रैक्टर वाले हैं, जो उनके चारों लड़के शालू और सैफ और पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, सऊद, चारों लड़के उनके इन्वॉल्व थे, मन्नू अंसारी इन्वॉल्व थे, और बहुत से अज्ञात लोग वहाँ पे थे जिनको देख के नदीम असगर ने ललकारा उन लोगों को, और उन लोगों ने मुझे इस तरह से इन लोगों को प्री प्लानिंग करके मारा गया है हम लोगों को। रजदेपुर में कल ताजिया उठने वाली है, यहाँ से दो पक्षों के बीच में बैंड को लेके कुछ विवाद जो है वो हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम शेरू है, उसने और कुछ अन्य लोगों ने, जिसने शेरू को भड़काया था, इन लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर फायर किया है। उस व्यक्ति को जो है अस्पताल रेफर किया गया है, उसकी हालत जो है वो स्टेबल है। इन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी, उचित धाराओं में जो भी तहरीर प्राप्त होती है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जाए। देखिए, अभी एक व्यक्ति को जो है गोली लगने की सूचना है, अन्य कुछ एक दो व्यक्ति हैं जिनको हाथ में छर्रा इत्यादि लगने के, वो बिल्कुल स्टेबल है, सभी लोग उसमें स्टेबल हैं, उनको हॉस्पिटल जो है वो इलाज के लिए तत्काल पुलिस द्वारा भिजवाया गया था। जो भी विधिक कार्रवाई करनी है की जा रही है। किसी में सर किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है इसमें। पहली चीज़ जो है उसमें टीमों का गठन जो है वो किया गया है, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी, मेरे द्वारा भी अभी मौके का निरीक्षण जो है वो किया गया है, और तत्काल जो है इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।